नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में देखते हैं उस्ताद विलायत खान साहब के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक उस्ताद विलायत खान साहब भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ख्याति प्राप्त की थी। उस्ताद विलायत खान की पिछली कई पुस्तें सितार वादन से जुड़ी रही थी। उनके पिता विनायत हुसैन खान से पहले उस्ताद इमदाद हुसैन का भी जाने माने सितार वादक रहे थे। विलायत खान साहब ने सितार वादन की अपनी अलग गायन शैली विकसित की थी, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद खान साहब ने आफ्ताबे सितार का सम्मान दिया था। ये सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे। विलायत खान साहब का जन्म 28 अगस्त 1928 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के गौरीपुर नामक स्थान पर एक संगीतकार परिवार में हुआ था। उनके पिता उस्ताद इनायत हुसैन खान अपने समय के न केवल सुरभार और सितार के विख्यात वादक थे, बल्कि सितार वाद्य को विकसित रूप देने में भी उनका काफी योगदान था। उस्ताद विलायत खान के अनुसार सितार वाद्य प्राचीन वीणा का ही परिवर्तित रूप है। इनके दादा उस्ताद इमदाद खान अपने समय के रुद्र वीणा वादक थे। उन्हीं के मन में सबसे पहले सितार में तरत के तारों को जोड़ने का विचार आया था, किंतु इसे पूरा किया विलायत खान के पिता इनायत खान ने। उन्होंने संगीत के वाद्यों के निर्माता कन्हैया लाल के माध्यम से इस स्वप्न को साकार किया। सितार के ऊपरी हिस्से पर दूसरा तुम्बा लगाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उस्ताद विलायत खान साहब ने अपनी शुरुआती संगीत शिक्षा पिता इनायत खान से प्राप्त की थी। जब वे मात्र विलायत खान ने दो विवाह किए थे, वे दो पुत्रियों और दो पुत्रों के पिता बने थे। उस्ताद विलायत खान के दोनों बेटे सुजात हुसैन खान और हिदायत खान भी प्रमुख सितार वादकों में गिने जाते हैं। आरंभ में विलायत खान का झुकाव गायन की ओर ही था, किंतु उनकी माँ ने उन्हें अपनी खानदानी परंपरा निभाने के लिए प्रेरित किया। गायन की और उनके झुकाव के कारण ही आगे चलकर उन्होंने अपने वाद्य को गायकी अंग से अनुकूल परिवर्तित करने का सफल प्रयास किया। यही नहीं, अपने मंच प्रदर्शन के दौरान प्रायः वे गायन भी करते थे। 1993 में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में खान साहब ने राग हमीर के वादन के दौरान पूरी बंदिश का गायन भी प्रस्तुत किया था। तो ये रहा उस्ताद विलायत खान साहब जी के बारे में। यहीं पे रुकूंगा दोस्तों, धन्यवाद।